ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन जो है बुक में मिस प्रिंट है। बुक में यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर एक्चुअल में प्लस का साइन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका LHS लिया। LHS टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, इस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर थीटा को भी हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉसिक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये सेक स्क्वायर थीटा को हमने वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉसिक स्क्वायर थीटा को वन बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही है। यहाँ नीचे में एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये ऊपर में वन बाई साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर होगा। अब ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा वैसे का वैसे ही ये डिवाइड था। डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अपॉन जो डिनोमिनेटर में ये था इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ था, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पहले से था और वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में इस पूरे से डिवाइड हो रहा है तो इसको जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर समझिए, ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप में वन हो जाएगा और वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS था। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है वन अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में आपने बस यही पढ़ा है, 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसमें से किसी एक को अपन इधर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो 10th में आपने ये देखा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में है, आपको इस एक फॉर्मूले से ही इसके डिटेल का पता चलेगा। कि देखिए 10th क्लास में जब हम लोग ये सब पढ़ते थे तो इतना डीप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे, 11th क्लास में हर एक चीज़ को बहुत डीपली और बहुत डिटेल में पढ़ना है। इस एक छोटी सी चीज़ को 11th क्लास में कैसे यूज किया जाता है आइए उसको देखिए। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में भी दिखेगा। यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट दिखे, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से मैं किसी भी ब्रैकेट को अगर इधर शिफ्ट करूँ तो वो डिवाइड में जाएगा। मान लीजिए कि मैंने sec थीटा माइनस टेन थीटा को इधर ही रखा तो इसे मुझे उधर भेजना पड़ेगा, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा। यानी 11th क्लास में अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा है तो आप उसे 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप इस ब्रैकेट को उधर भेज दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा माइनस टेन थीटा होगा। अब
इतनी सी जानकारी के बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब आप इसका LHS लिखेंगे ना, तो यहाँ 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा है। यहाँ पर आइए, ये जो 1 है, 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं क्या? इस 1 के बदले में हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन का sec थीटा प्लस tan थीटा वैसे का वैसे ही, ये 1 अपॉन cos थीटा वैसे का वैसे ही। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ये sec थीटा माइनस tan थीटा और ये sec थीटा प्लस tan थीटा में से ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ? sec थीटा माइनस का tan थीटा, और तब तक इस 1 बाई cos थीटा को हमने sec थीटा लिख लिया। ये sec थीटा और ये sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस tan थीटा। आपने LHS को सॉल्व किया तो LHS को सॉल्व करने से माइनस tan थीटा आया। ठीक इसी तरह से आप RHS वाले हिस्से को लीजिए, RHS वाले को लेकर सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करिए। उसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो RHS को सॉल्व करने पर भी आपका लास्ट में माइनस tan थीटा आएगा। LHS को सॉल्व करने पर माइनस tan थीटा आया, RHS को भी सॉल्व करने पर माइनस tan थीटा आया। इस तरह से आपका LHS और RHS सेम हो गया। इसको आप RHS को सॉल्व खुद ही करेंगे। हाँ, RHS को सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर इस 1 को जब आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में चेंज करें और फिर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में चेंज करके a माइनस बी को ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। इसके आगे ब्रैकेट ज़रूर लगाएं क्योंकि ये माइनस है, और फिर ब्रैकेट को ओपन करिएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को 11th क्लास के नज़रिए से सोचते हैं। अभी अभी आपने देखा था कि 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आपको यहाँ दिखा, 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा, इस पूरे के बदले में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी इतना सारा स्टेप नहीं करना रहता। 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा के बदले में डायरेक्ट हम लिख सकते थे sec थीटा माइनस का tan थीटा, और ये 1 बाई cos थीटा वापस sec थीटा हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले LHS लीजिए, LHS को साइन कॉस में चेंज करिए, LCM लीजिए, LCM लेने के बाद इसको सेपरेट करिए, सेपरेट करने के बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर में चेंज होगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर cosec स्क्वायर में चेंज होगा, और यही हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। cosec की पावर 6a माइनस cot की पावर 6a, ये हमारा उसका LHS है। मैंने यहाँ RHS नहीं लिखा है, LHS है। इस LHS में हम इस cosec की पावर 6a को cosec स्क्वायर a का होल क्यूब लिख सकते हैं। पावर का पावर के साथ जिस दिन आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस 6a आ जाएगा, cosec की पावर 6a। क्यों चेंज किया ऐसा? इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर जो cosec स्क्वायर a है इसको मैं अगले स्टेप में लिख सकूँ 1 प्लस cot स्क्वायर a, क्योंकि जो इसका RHS है उसमें cot स्क्वायर a लाना है। तो इस cosec स्क्वायर a को हमने 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखा, अभी ये होल क्यूब बचा हुआ है, बाकी ये वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर आपने a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जहाँ a की जगह 1 है और b की जगह cot स्क्वायर a है। तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप बोलेंगे, गुरु जी ये कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा था। ये और ये दोनों फॉर्मूला एक ही हैं। अगर आप इस 3ab का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो वापस आपको यही मिलेगा। हमने अभी अभी बोला था कि यहाँ पर हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a की जगह 1 है और b की जगह cot स्क्वायर a है। हमने इस ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज किया है, a का क्यूब प्लस
बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी है और ये माइनस का कॉट पावर सिक्स से हमारा वैसे का वैसे ही था। वन का क्यूब जो है वन ही आएगा, पावर का पावर के साथ जिस दिन आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉट की पावर सिक्स से बन गया। इसका इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री कॉट स्क्वायर ए बनेगा। इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और ये माइनस का कॉट का पावर सिक्स से हमारा वैसे का वैसे ही है। इस कॉट के पावर सिक्स ए को और इस कॉट के पावर सिक्स ए को देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा यही हमारा आरएचएस था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन प्लस वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले इसका एलएचएस लिया। एलएचएस में वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर किया, कुछ नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ भी कुछ नहीं किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसके बाद क्या किया, इसके बाद ये ध्यान से देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का टू टेन एक्स हमारा वैसे का वैसे ही। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का टू कॉट एक्स वैसे ही है। इसके बाद इस सेक स्क्वायर एक्स और इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ लिख लिया। अब ये और ये जो बच गया है, इन दोनों में से मैं माइनस टू को कॉमन ले रहा हूँ। माइनस का टू अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स बचेगा। आप अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको वापस यही मिलेगा। ये सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे ही चल रहा है, माइनस का टू वैसे का वैसे ही है। टेन एक्स प्लस कॉट एक्स को हमने साइन कॉस में चेंज किया, साइन कॉस में चेंज करने के बाद इसको एलसीएम के फॉर्म में चेंज किया, ऊपर में वन आ गया, नीचे में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है। जब इसको आप सेपरेट करेंगे तो वन अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स आएगा। वन अपॉन कॉस एक्स को आप सेक एक्स लिखेंगे और वन अपॉन साइन एक्स को कॉसेक एक्स लिखेंगे। सामने का जो माइनस टू था ये वैसे का वैसे ही है। तब तक इधर स्टार्टिंग में देखिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स वैसे ही चला आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक हमने किसको पढ़ा, सेक एक्स को हमने ए पढ़ा था, तभी तो इसको ए स्क्वायर पढ़ा। और बी किसको पढ़ा, कॉसेक एक्स को बी पढ़ा था, तभी तो ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। और यही था हमारा आरएचएस।